लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड। अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं ना, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत काम में आता है। और जो हम लोग स्पीड के बारे में बात करते हैं ना कि फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो अगर ये आता है ना आपको, तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, आंसर के आप नजदीक हो जाओगे और एलिमिनेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोर्ड्स पर्सपेक्टिव एक या दो मार्क का क्वेश्चन बनता है, तो हमें ये पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड है क्या। सो डेफिनेशन इसकी है ये, क्वांटिटी एज अ पावर ऑफ 10 विच गिव्स अस वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, तो जो एक्चुअल वैल्यू है उसके नजदीक का वैल्यू हमें पता चल जाता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें पता चल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर रेडियस ऑफ अर्थ अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो वैल्यू है 6400 किलोमीटर, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो 6400 किलोमीटर, अभी एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, 6400 किलोमीटर की जगह पे लिखोगे 10^3। ठीक है, अभी यहाँ पे 6400 तो 6.400 × 10^3 भी हो जाएगा, इसका मतलब 6.4 × 10^6 टोटल आंसर होगा आपका। अभी यहाँ पे देखो जो नंबर है ना वो आपको ये पता होना चाहिए, 0 से लेके 5 तक और उसके बाद 9 तक। तो 5 से ऊपर अगर है या फिर 5 से नीचे है, ये आपको चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो जो नंबर है 6.4, सर्टनली इट इज ग्रेटर देन 5। तो अगर वो 5 से बड़ा है तो डेफिनेटली वो 10 के नज़दीक है कि नहीं। 5 से छोटा होता तो डेफिनेटली वो 0 के नज़दीक है। तो अगर ऐसा है तो ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड 10 के नज़दीक है, तो 10 लिखा 6.4 की जगह पे 10^6 तो वैसे ही रहेगा, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 10^7, तो ऑर्डर क्या होगा आपका 7। दूसरा, हाइट ऑफ अ पर्सन, मान लो कोई भी एक पर्सन है उसकी हाइट है 1.8 मीटर, है ना। तो यहाँ पे 1.8 अगर आप देखते हो तो इधर किधर तो होगा, एंड इट इज क्लोज टू 0। सो ये स्पेसिफिक केस में 10^0, तो 0 को 10^0 भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो क्या आप 10^0? 0 को नहीं लिख सकते, 1 को लिख सकते हैं, समझ रहे आप। एनीवेज, सो 10^0 आपने लिखा, 10^0 का मतलब होता है 1, है ना। तो मतलब 1.8 को अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर कर दिया आपने। ये क्यों कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। देखो ना 6.4 ऐसा मुझे बोला है और एक हेवी कैलकुलेशन है, तो 6.4 × 10^6 लिखने की जगह पे अगर मैं 10^7 डायरेक्टली लिख देता हूं तो मेरा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। समझ जाओगे आप, और आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया यहाँ पे, 10^0 है ना, तो ऑर्डर 0 हो गया, है ना। तो ये 0 के ऑर्डर के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे 1.8 को मैंने 1 के बराबर लिखा और 1 को मैं 10^0 भी लिख सकता हूँ, एनीथिंग रेस्ट टू 0 1 होता है। 0.049, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ जाएगा। सो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 4.9 × 10^-2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो 4.9 5 के ऊपर है, सो यहाँ पे 5 के अगर ऊपर है वो तो 10^0 हो जाएगा, है ना। तो मतलब 4.9 को इक्विवेलेंट टू 1 कंसिडर किया जा रहा है, सो 10^0 × 10^-2। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 10^-2, तो ऑर्डर हो गया यहाँ पे -2। नेक्स्ट देखते हैं 0.050, ये स्पेसिफिक केस में 5.0 × 10^-2 है ना। सो 5.0, देखो अभी 5 या 5 से बड़ा अगर नंबर है ना, तो वो स्पेसिफिक केस में इसको आप 10 के इक्विवेलेंट करोगे। तो 5 के जगह पे क्या लिखोगे आप, 10 लिखोगे, 10 × 10^-2 विल बी इक्वल टू 10^-1, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा -1, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, अगर इतने भी आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा। सो आई होप ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझा है। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ, यहाँ पे देखो दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले रेंज हम लोग देखेंगे, एक होता है मैक्रोकॉसम, दूसरा होता है माइक्रोकॉसम। मैक्रोकॉसम का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर दूरी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि गैलेक्सी, अर्थ, सन, इतने दूरी के डिस्टेंसेज अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो वो आते हैं मैक्रोकॉसम के अंदर। एंड दूसरा होता है माइक्रोकॉसम, जिसमें आप स्मॉलर डिस्टेंसेस के बारे में बात करते हो, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स एटसेट्रा। तो ये दो वर्ड्स है जो हमें पता होना चाहिए। जब भी हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं ना, तो उसमें ना दो मेथड्स आती है। सबसे पहला होता है एक डायरेक्ट मेथड एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करोगे, इंस्ट्रूमेंट लेके आप डायरेक्टली लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करोगे। सपोज मेरे पास एक रस्सी है, उसकी लेंथ मेजर करनी है, कर सकते हैं। वायर की लेंथ मेजर करनी है, कर सकते हैं। कोई भी टेबल है उसकी लेंथ मेजर करनी है, कर सकते हैं। उसके लिए आप डिवाइस क्या यूज कर सकते हो, अगर कंपेरेटिवली बड़ी लेंथ है तो मीटर स्केल आप यूज करो, है ना। और अगर आपको और प्रिसाइज चाहिए, है ना, या फिर अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो वर्नियर कैलिपर आप यूज करो। उससे भी अगर छोटा डायमीटर अगर आप यूज को मेजर करना है, या वॉल्यूम यूज कर मेजर करना है छोटे स्फीयर का, तो वो टाइम पे आप स्क्रू गेज यूज कर सकते हो, है क्या नहीं। सो मीटर स्केल यूज करके 10^-3 मीटर से लेके 10^2 मीटर तक का डिस्टेंस इजिली नाप सकते हो। वर्नियर कैलिपर यूज करके 10^-4 मीटर तक का डिस्टेंस आप इजिली नाप सकते हो। स्क्रू गेज यूज करके 10^-5 मीटर तक का, ये उसका रेंज है, इसमें आप काम कर सकते हो। अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मेजर करना है तो यस डेफिनेटली वो भी मेजर किया जा सकता है। लेकिन मान लो अगर आप अर्थ के ऊपर खड़े हो और अगर आपको मून तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या करोगे, मीटर स्केल लोगे, एक के ऊपर एक रख के,
पागल हो जाओगे. एनीवेज, सो वो स्पेसिफिक केस में आपको इनडायरेक्ट मेथड यूज करनी पड़ती है. सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिसको बोलते हैं पैरालेक्स. पैरालेक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है? मान लो एक स्पेसिफिक दूरी पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो एक पेड़ हो सकता है या फिर वो कोई तो एक हिल हो सकती है, एंड सामने से अगर आप मूव कर रहे हो, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक केस में आप कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो. तो पैरालेक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, इफेक्ट और अ डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिफरेंट व्हेन व्यूड फ्रॉम अ डिफरेंट पोजीशंस. अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ. मान लो मेरे पास ये एक छोटा सा चौक है, ठीक है, ये स्मॉल चौक जो है इसको मैं ऑब्जर्व करूंगा दो डिफरेंट पोजिशन से, और ये जो दो डिफरेंट पोजिशन होगी ना वो मेरी आईज होंगी, है ना, मेरे दो आईज के बीच में एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये चौक है, ये चौक एक दूरी पे है ना. अभी डिस्टेंस बिटवीन द आईज एज वेल एज एक आई से मैं यहाँ तक का डिस्टेंस लेता हूँ, दूसरे आई से यहाँ तक का डिस्टेंस लेता हूँ, तो वो कंपेरेटिवली डिस्टेंस बिटवीन आई से बड़ा है, समझ रहे हो? अभी आपको क्या करना है, ये इसको इस तरह से पकड़ना है, एक आई आप बंद करो, तो एक आई मैंने बंद किया, इसको ऑब्जर्व किया, है ना, मैंने हाथ को मूव नहीं किया है, चौक वहां पे ही है, मुझे ऑब्जेक्ट की कोई तो एक पोजिशन दिखाई देगी. अभी मैंने क्या किया, ये आई को ओपन किया, दूसरे आई को बंद किया. ये स्पेसिफिक केस में भी मुझे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो स्लाइटली चेंज हो रही है ऐसा लगता है. आप करके देखो, है ना, ऐसा पेंसिल रखो सामने, एक आंख बंद करो, दूसरा आंख बंद करो. और डिस्क्लेमर, ये सब जो है वो आप क्लासरूम में नहीं करोगे या स्कूल प्रीमाइसेस में या कॉलेज प्रीमाइसेस में नहीं करोगे, नहीं तो पता चला ऐसा पेंसिल लेके आप घूम रहे हो, सामने से टीचर पिटवा दोगे आप, लड़कियां मारेंगे आपको, और क्या होगा, है ना. कुछ बच्चे शातिर होते हैं, वो ये सब जो टेक्निक है ना जो मैं बताता हूँ, फिर बाद में बोलते हैं केडीपी सर ने बताया. एक बार तो मुझे लाइक कॉलेज के प्रिंसिपल ने पूछा था, अरे सर आपने ये क्या पढ़ा दिया, मैंने बोला मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया था, तो मैम भी हंसने लगे. एनीवेज, बच्चे शातिर होते हैं भाई, बच्चों से आप क्या कर सकते हो. एनीवेज, पैरेलेक्स मेथड इफेक्ट और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू डिफर फ्रॉम व्यूड व्हेन व्यूड फ्रॉम अ डिफरेंट पोजीशंस. तो एनीवेज, यहाँ पे देखते हैं पैरेलेक्स मेथड को कैलकुलेट कैसे करते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बहुत आसान होता है, लेकिन वहां पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें शुरुआत में होती है, बाद में वो कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है. एनीवे, सबसे पहले देखते हैं हम लोग पैरेलेक्स मेथड ये क्या है. मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ओ, इसको हम लोग दो पोजिशन से देख रहे हैं, है ना, एल एंड आर, ये पोजिशन का नाम हम लोग रख रहे हैं. बी रिप्रेजेंट करता है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना. तो ये ऑब्जेक्ट को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो टाइम पे मान लो ये एंगल थीटा वन है और ये स्पेसिफिक एंगल थीटा टू. अगर डिस्टेंस ये जो एल आर ये अगर बहुत छोटा है, ये जो बी है इसको बेसिस बोलते हैं, बेसिस. तो अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा है ना, तो वो स्पेसिफिक केस में यहाँ पे जो एंगल थीटा वन एंड थीटा टू है ये बहुत छोटा होगा, और ओ से लेके एल एंड ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस भी एक्स होगा, ठीक है. मान लो ऐसा एक छोटा सा ट्राइंगल है और ये जो पॉइंट है इसको ही अगर सेंटर करके मैं अगर ऐसा एक आर्क खींच देता हूं तो एक सर्कल का ही आर्क जैसा होगा ना, है कि नहीं. तो ये सर्कल के आर्क जैसा है तो ये आपका थीटा होगा, लेकिन यहां पे ये लेंथ और जो ऊपर वाली लेंथ है ना वो अप्रोक्सीमेटली सेम मानते हैं. एनीवेज, यहां पे देखो, लेट ओ रिप्रेजेंट सेंटर, एक्स रिप्रेजेंट रेडियस, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. ये स्पेसिफिक केस में थीटा वन प्लस थीटा टू ये दोनों वैल्यू सेम है, और यहाँ पे तीनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है, हमें पता ही है. एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 1, टू मेजर अ लार्ज डिस्टेंस. अगर मुझे बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर कर रहा है तो वो स्पेसिफिक केस में ये डायग्राम का यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं. सो बी की वैल्यू एक्स इंटू थीटा होती है, ठीक है. थीटा क्या होता है आपका, बी अपॉन एक्स, तो बी आपका होगा एक्स इंटू थीटा. ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपने स्कूल टाइम में देखा होगा, जहां पे आपने सर्कल के बारे में बात किया होगा, मैथमेटिक्स में थोड़ा पढ़ा होगा. नोविंग द वैल्यू ऑफ बी थीटा, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है, या फिर अगर कोई भी दो वैल्यूज आपको पता है तो तीसरी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो. ये स्पेसिफिक केस में ओ एल आर, ओ आर एल, ये जो एंगल्स है, ठीक है, ये दोनों एंगल थीटा वन थीटा टू ये दोनों सेम है. एंगल एल ओ आर ये जो है वो थीटा के बराबर है, जिसको पैरेलेक्स एंगल बोलते हैं. सो दिस इज माय पैरेलेक्स एंगल. एल ओ आर ओ ये एक्स के बराबर होगा, उसके बाद एल आर जो है वो आर्क है ऑफ अ लेंथ बी, और इसको बेसिस भी बोलते हैं, ठीक है. तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था. अभी देखते हैं थोड़ा काम के बाद. मान लो मुझे डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज के बारे में बात करना है, अगर बहुत दूर पे अगर कोई स्टार है ना उसका डिस्टेंस हमें मेजर करना, तो ये स्पेसिफिक केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है. मान लो ये है आपके पास सेंटर में सन, और हमें पता है अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सेंटर, अराउंड द सन, है ना. तो मान लो ए एक पोजीशन है जहां पे अर्थ आपकी है, और कुछ समय के बाद अर्थ आपकी पोजीशन बी पे जाएगी, कुछ महीनों के बाद, है ना. तो मान लो दूर के कोई डिस्टेंस पे कोई तो तारा है,
और हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना है, लेट दैट रेफरेंस पॉइंट इज एन। तो ये कोई भी स्टार या कोई भी एक चीज हो सकती है। तो मान लो ये है मेरे पास पॉइंट एन, तो ए से लेके एन और एन से लेके बी ये आपने ड्रॉ कर लिया, और दूसरी बात ये जो पाथ है ना वो आपने सर्कल भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ए से लेके एस, एस से लेके बी, ये है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन अलग अलग पोजिशन पे। एनीवेज तो यहां पे मान लो ऊपर कोई तो एक तारा है, तो ऊपर का एक तारा है ये वाला, यहां से यहां तक आपने एक लाइन ड्रॉ की। सिमिलरली जब वो पॉइंट बी पे पहुंचता है तभी भी आपने एक लाइन ज्वाइन की, और ये स्पेसिफिक केस में अभी आपने सारे लाइंस को ड्रॉ करके प्रॉपर ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाया सो दैट थीटा की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो ये आपका थीटा वन है जब भी आपका अर्थ पोजिशन ए पे है, और पॉइंट बी यहाँ पे आपने थीटा टू से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे आपके पास एक वर्टिकल लाइन है जो सन एज अ सेंटर कंसिडर करके जा रही है, और ये जो ई ए और ई बी ये जो है ना ये रेज है लाइट के जो दूर के स्टार से आ रहे हैं। तो ये जो स्टार का पोजिशन होगा वो बहुत ज्यादा दूर होगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टार की पोजिशन देखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी यहाँ से भी अगर स्टार मान लो बहुत ज्यादा दूर पे है तो वहां से स्ट्रेट लाइन आएगी, और सेम स्टार को अगर आप ये पॉइंट से देखोगे तो वहां से भी तो स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखेगा वो, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली ये पैरल लाइन्स आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्टार की जो पोजिशन है वो बहुत ज्यादा दूर हो सकती है। एनीवेज तो ये स्पेसिफिक केस में देखो एंगल एफ ए एन, एंगल एफ ए एन इसको मैंने थीटा वन बोला, एंगल ई बी एन ठीक है ये आपका थीटा टू है। सो एफ ए एन ए एन एस थीटा वन, ई बी एन बी एन एस थीटा टू। यहाँ पे ए एन एस बी एन एस को ऐड करोगे तो थीटा वन प्लस थीटा टू मिलेगा आपको, जिसको आप थीटा बोल रहे हो। एंगल का मतलब क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये स्पेसिफिक केस में ए बी को हम लोग आर्क मान रहे हैं, टोटल एंगल है मेरा थीटा वन प्लस थीटा टू के बराबर, और यहाँ पे मेरे पास ए एन ये जो है वो रेडियस के जैसा एक्ट करेगा। ए एन लिखो या फिर एन बी लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो ए बी की जो वैल्यू है ना, ए बी की जो वैल्यू वो टू टाइम ए एस के बराबर है, क्योंकि जब भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़े होते हैं ना तो वो स्पेसिफिक केस में ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आर्क वाली लाइन ना ये अप्रोक्सीमेटली सेम मान सकते हो आप। कुछ अप्रोक्सीमेशन करके आपको चलना पड़ेगा तभी जाके आप आंसर के नजदीक जाओगे, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यूज। तो इसके लिए ए बी और ये जो ए एस बी है ना इसको सेम मान के जा रहे हैं हम लोग। सो ए एस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एस बी, सो ए एस प्लस ए एस विल बी इक्वल टू ए बी, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू टू टाइम्स एस। सो ए एस का मतलब क्या है, ए एस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सो ए बी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, ए बी विल बी इज इक्वल टू 2 × 1.5 × 10^11 मीटर, है ना। सो यहाँ पे ए एस की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 1.5 × 10^11, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है, हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट यूज करना है। वो ए एस कैसे आता है उसके बारे में आप बात नहीं करोगे तो भी चलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें इसको न्यूमेरिकल में सब्स्टिट्यूट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं या क्या होता है इसके पीछे का और लॉजिक, आगे जाके जो भी आप फिजिक्स पढ़ोगे, बी एस सी फिजिक्स वगैरह आपने लिया है, कोर प्रॉपर फिजिक्स का कोर्स, तो उसमें आपको इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राइट नाउ हमें जरूरत नहीं है, तो इसके ज्यादा पीछे हम लोग नहीं भागने वाले। सो 2 × 1.5 × 10^11, सो विच इज इक्वल टू 3 × 10^11 मीटर। तो थीटा वन थीटा टू अगर आपको पता है तो एन को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। थीटा वन थीटा टू पता है तो एन को कैलकुलेट करना आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये भी आपको पता है, थीटा वन थीटा टू पता है, एन कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। दैट इज ये जो डिस्टेंस है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो स्टार है इसका डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये जो रेज है वो दूर के स्टार से आ रहे हैं। सो यस, नेक्स्ट साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे देखो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज आपको निकालनी है, मान लो आप अर्थ के ऊपर खड़े हो और आपको मून की साइज देखनी है, है ना। तो ये स्पेसिफिक केस में क्या कर रहा है, मून को कंसिडर करो, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो ए बी, तो ए बी विल बी डायमीटर ऑफ अ मून, ठीक है ना। तो पॉइंट ए से अर्थ की तरफ आने वाला एक लाइन और पॉइंट बी से अर्थ की तरफ आने वाला एक लाइन, तो यहाँ पे ये बनेगा आपका थीटा, ये बनेगा आपका एक्स, ए बी विल बी एक्स, एंड यहाँ पे आपके पास एंगल है थीटा, और बी से लेके इसको कुछ तो नाम देते, लेट दिस इज द पॉइंट पी, है ना। सो बी पी या फिर ए पी की वैल्यू एस के बराबर होगी। सो नोविंग द वैल्यूज ऑफ एस एंड थीटा एक्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो एक्स को कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपने एक्स कैलकुलेट किया इसका मतलब आपने इसकी साइज ही कैलकुलेट की ना, डायमीटर कैलकुलेट किया, तो बाकी सब आ जाता है इजीली, है ना। सो एक्स विल बी इक्वल टू एस इनटू थीटा। सो एक जनरल फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में बात किया। दो चीजें होती है, मैक्रोकॉसम माइक्रोकॉसम, दो मेथड्स होती है, एक होता है डायरेक्ट मेजर करो, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजर करो, है ना। डायरेक्ट मेथड में मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज आप यूज कर सकते हो। इनडायरेक्ट मेथड में पैरेलैक्स मेथड आता है। एट द सेम टाइम अगर आपको साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है तो वो आप इजीली कर सकते हो। आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझा है। लेंथ को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड में आपने क्या यूज किया था, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज यूज किया था। इनडायरेक्ट मेथड में आप पैरालैक्स मेथड यूज कर रहे हो, और उसके बाद लाइक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की साइज भी आप इनडायरेक्ट मेथड से यूज कर सकते हो। तो ये सारी ऐसी चीज ये थी जो आप मेजर कर सकते थे, लेकिन स्मॉल चीजें भी तो होती है। तो अगर आपको 10^-8 मीटर से लेकर 10^-10 मीटर इतनी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अगर मेजर करना है या उसका साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में आपको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स यूज करने पड़ते हैं। अभी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स क्या है उसका डिटेल स्टडी आपको आपके सिलेबस में नहीं है। आपको इसका जो स्टडी है वो आगे अगर आप जाके कुछ फिजिक्स पढ़ते हो उसमें अगर आप डिग्री लेते हो तो आपको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से पढ़ने मिल सकता है। फिलहाल तो हम लोग ये देखते हैं कि जो दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, या हम लोग जिनके बारे में सुनते हैं, जिनको देखते हैं, उनके लिए एक ऑर्डर ऑफ लेंथ देखते हैं कि ये कितना बड़ा है कितना छोटा है। रेडियस ऑफ प्रोटॉन अगर आप देखते हो तो 10^-15 इतना उसका ऑर्डर है। साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस देखो 10^-14, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम 10^-10, साइज ऑफ अ पॉली पोलियो माइलिटस वायरस है ना, तो ये छोटा सा वायरस है 10^-8। विजिबल लाइट की वेवलेंथ देखो 10^-7, आरबीसी 10^-5, पेपर का थिकनेस देखो, पेपर का थिकनेस 10^-4 होता है, कोई भी एक हाइट ऑफ पर्सन 10^0 है ना। अगर माउंट एवरेस्ट देखते हो तो उसकी हाइट कितनी है 10^4 है कि नहीं, बड़ा है ना माउंट एवरेस्ट। एनीवेज डिस्टेंस बिटवीन अंबाला टू दिल्ली ये हमें 10^5, ये हमें याद नहीं करना है। ये मैं आपको क्यों पढ़ रहा हूं कि ये हमें एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, इसको आप एज अ जनरल नॉलेज ट्रीट कर सकते हो। रेडियस ऑफ अ मून 10^6, रेडियस ऑफ अर्थ देखो 10^7 देखो, अभी 6 और 7 एक का ही डिफरेंस है ना, लेकिन एक्चुअल में देखो ना तो ये लाइक 10 गुना बड़ा ऐसा हो जाएगा है ना, 10^6, 10^7, 10 गुना बड़ा है ना, बड़ा है भाई कंपेरेटिवली। मीन डिस्टेंस ऑफ अ मून फ्रॉम अर्थ 10^8, सन का रेडियस मेजर करने के बाद 10^9 मिला। मीन डिस्टेंस ऑफ अ सन फ्रॉम अर्थ 10^11, डिस्टेंस ऑफ अ फारदेस्ट प्लैनेट प्लूटो फ्रॉम सन 10^13, डिस्टेंस ऑफ अ नियर स्टार फ्रॉम द अर्थ 10^16, देखो ये कितने मतलब ब्यूटीफुल फैक्ट्स है। डायमीटर ऑफ अ गैलेक्सी 10^20, डिस्टेंस ऑफ अ नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडिया 10^22, एस्टिमेटेड साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10^26। तो ये कुछ बेहतरीन फैक्ट्स थे जो हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ में पढ़ सकते हैं। लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द पैरेलैक्स मेथड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड्स के लिए 3 मार्क के लिए बहुत बार आपको एग्जाम में दिख सकता है, जो आपकी यूनिट टेस्ट होगी ना उसमें। एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटिव फिजिक्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस दिखते हैं। तो सबसे पहले ये सॉल्व करने से पहले हम लोग एक कन्वर्जन देखते हैं नोट का पार्ट। सबसे पहले देखो, अगर मुझे ऐसा दिया है पाई रेडियन है ना, सो पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन में अगर कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे अगर मुझे 1 रेडियन चाहिए तो क्या होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई होगा, ठीक है नहीं। पाई के जगह पे 22/7 सब्स्टिट्यूट करो या फिर 3.147 सब्स्टिट्यूट करो। तो जैसे आप 3.14 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो 57.7 डिग्री आता है। और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो आपको याद होना चाहिए, 57.7 डिग्री अगर 1 रेडियन को मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ तो। सिमिलरली डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो आंसर इज यस। सो 1 डिग्री देखो यहाँ पे 180 डिग्री है ना, तो कैसे लिख सकते हो 1 डिग्री, देखो ये 180 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट्स और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स। तो ये मिनट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर 1 डैश होता है, सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डैश होते हैं। एनीवेज तो ये एंगल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो अगर मुझे 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 1 डिग्री अपॉन सेकेंड, 1 डिग्री अपॉन 60। लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री की जगह पे क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे पाई अपॉन 180, ठीक है। सो पाई अपन 180 इंटू 60 दैट विल बी वैल्यू ऑफ 1 मिनट। सिमिलरली 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये स्पेसिफिक केस में 1 सेकेंड की वैल्यू क्या होगी, देखो 1 मिनट अपॉन 60 है ना। लेकिन यहाँ पे 1 मिनट की जगह पे क्या आएगा, ये पूरा आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो या फिर नहीं करना है तो इसको पहले डिग्री में लिखो। सो 1 मिनट की जगह पे लिख सकते हो 1 डिग्री अपॉन 60, तो ये लिख दिया। सो 1/60 इंटू 60 और डिग्री की जगह पे आपका आएगा पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो रेडियन के लिए सिंबल सी रिप्रेजेंट यूज होता है। तो ये कन्वर्जन जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको आना ही चाहिए। अभी ये तो आपने पढ़ लिया, अभी आपका थोड़ा हाथ सेट करो, कुछ ट्राई करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। लेट थीटा की वैल्यू दी है मुझे 7 है ना, और ये 7 डैश जो है ना, 7 मिनट जो है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, देखो ये मेथड यूज करिए। सिमिलरली 9 सेकेंड्स दिया है मुझे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो ये मेथड यूज करके। तो एक बार करो, आपका हाथ सेट करो, उसके बाद आप क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हो।
एनीवेज देखो क्वेश्चन में क्या बोला है. फर्स्ट क्वेश्चन, पैरालैक्स ऑफ अ हेवनली बॉडी मेजर्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन इक्वेटर ऑफ द अर्थ, है ना. तो मान लो ए बी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेटर ऑफ अर्थ, और उसके बाद ओ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा दूरी पे है, ठीक है. सो यहाँ पे पैरालैक्स ऑफ अ हेवनली बॉडी मेजर्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन अ इक्वेटर, अर्थ इक्वेटर इज वन मिनट. तो यहाँ पे जब भी पैरालैक्स बोलते हैं तो ये थीटा का बात करते हैं, तो थीटा की जो वैल्यू है ना वो वन मिनट दी है आपको. देखो यहाँ पे वन मिनट, ठीक है. आर की वैल्यू 6400 दी है, तो रेडियस दिया है. लेकिन ए बी जो है ना ये आपका डायमीटर है, तो सबसे पहले आपको डायमीटर अर्थ का कैलकुलेट करना पड़ेगा. और उसके बाद आपको बोला फाइंड अ डिस्टेंस ऑफ अ हेवनली बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 × 10^11 मीटर. क्वेश्चन आसान है लेकिन बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते एग्जाम में क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती और मोस्टली स्किप कर देते हैं. हमें स्किप नहीं करना है, हमें पढ़ना है और आगे चलना है. तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू मुझे क्या दिया है, वन मिनट दिया है ना. तो वन मिनट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 degree upon 60, इसके जगह पे पाई अपन 180 × 60 लिख सकते हैं. रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना. सो 1/60 × π/180 रेडियन मिल गया. अभी यहाँ पे मुझे डायमीटर निकलना है, तो बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, बी इज इक्वल टू 2 times r, है ना. ए बी इज इक्वल टू बी इक्वल टू 2 r, तो 2 × 6400 किलोमीटर. तो 6400 किलोमीटर के जगह पे 10^3 लिखोगे, है ना. तो 2 × 64 × 10^5, लेकिन उसको ही अगर और सही से लिखा तो 1.28 × 10^7 मीटर, ये बन जाएगी आपकी बी की वैल्यू. आपको बोला है कि एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, है ना. सो मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए से लेके वो जो ऑब्जेक्ट है वहां तक का डिस्टेंस हमें निकालना है. हमें यह पता है बी इज इक्वल टू एक्स इंटू थीटा यूज करते हैं. देखो ना ये अगर पूरा ओ से अगर मैं एक छोटा सा ऐसा आर्क मारता हूं तो वो सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग बी इज इक्वल टू एक्स थीटा लिख सकते हैं, या फिर थीटा इज इक्वल टू आपका बी अपॉन एक्स होता है कि नहीं, तो वाइस वर्सा. सो एक्स इक्वल टू बी अपॉन थीटा, बी की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, इन टर्म्स ऑफ रेडियन सब्स्टिट्यूट करना है. तो बी की वैल्यू है 1.28 × 10^7, थीटा की वैल्यू है पाई अपॉन 16 × 180. सो पाई अपॉन जो नीचे है वो डायरेक्टली ऊपर गया 16 × 180, इसको रीअरेंज करो 1.28 × 3.14, सो 108 × 10^9. तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर है आपका इसको सॉल्व करने के बाद 4.4 × 10^10 मीटर आता है. ये सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली एग्जाम में आपको लॉग टेबल दिया जाता है. अगर नहीं दिया गया तो अप्रॉक्सीमेटली आप कट कर करके इसका आंसर निकाल सकते हो. 1.28 दो से डिवाइड करते जाओ जितना कर सकते हो, उसके बाद सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर आपको आएगा 4.4 × 10^10 मीटर. समझ रहे हो आप. एनीवेज तो यहाँ पे देखो ना इसको सॉल्व करने का और एक तरीका बताता हूँ. ये देखो ये 3.14 में से अगर 3.1 मैंने लिया और ऊपर 1.2 लिया, है ना, तो 3 × 12 3 × 4 होता है ना. सो 4 × 10 = 40, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर मेरा 40 के आजू बाजू में होना चाहिए. और उसके बाद आप 10 की पावर एडजस्ट कर लो तो 4.0 × 10^10 मीटर ओरली मैंने निकाल लिया. अभी यहाँ पे आपको एग्जाम में लॉक टेबल दिया जाता है, अगर नहीं दिया गया तो ये कट करके मेथड से करो आप, फाइनल आंसर आपका ये आएगा. एनीवेज नेक्स्ट देखते क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले ये सॉल्व तो करो पूरा. वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 × 10^11 मीटर दिया है, और अभी हमें जो एक्स की वैल्यू मिली है वो मीटर में मिली है. हमें सॉल्व जो करना है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में फाइनल आंसर चाहिए. तो ये वही बात है, एग्जाम्पल के तौर पे 10 mango 100 rupees में मिलते हैं, 10 mango 100 rupees में मिलते हैं, ठीक है. तो 200 rupees में कितने मैंगो मिलेंगे, तो ये वही चीज़ है, उस तरह से आपको कंपेयर करना है. तो कहने का मतलब ये है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 × 10^11 अगर है तो ऐसे कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होंगे जो 4.4 × 10^10 मीटर में आएंगे. समझ रहे हो आप. तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए. ये फिजिक्स में हम लोग बार बार यूज करेंगे, कंपैरिजन में ये बहुत बार लगता है. नॉट दिस वैल्यू, लेकिन ऐसे टाइप का कॉन्सेप्ट, मतलब इसके लिए अगर इतना है तो ऐसा कितना यूज करना पड़ेगा सो दैट हम वो वैल्यू यूज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. सो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4.4 × 10^10 / 1.5, ये डॉट वगैरह सही ढंग से लिखो, बोर्ड पे अगर नहीं दिख रहा है तो वो आपका ध्यान होना चाहिए. × 10^11 वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको सॉल्व करो सो 0.293 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आएगा, ठीक है. सो अगर लॉक टेबल है तो सही है, नहीं तो ओरली करो. 15 × 2 = 30 होता है ना. तो बचा कितना, 14 बचा. सो 15 × 9 = 135 होता है ना. सो 0.29 अप्रॉक्सीमेटली आंसर आपको मिल जाएगा. और यहाँ पे आंसर जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होना चाहिए, क्योंकि पेपर चेक करने वाला पर्सन देखेगा फाइनल आंसर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में है या नहीं. कुछ बच्चे यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं तो एक मार्क वहाँ पे उनका जाता है. तो केयरफुली करो, हमें पूरे मार्क्स चाहिए, पूरे नंबर चाहिए. पॉइंट नंबर टू या क्वेश्चन टू देखते हैं. मून ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स फ्रॉम द अर्थ ए एंड बी, है ना. तो मून को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये मून है आपका और ये अर्थ है, तो ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो आप, है कि नहीं. तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, तो ए बी जिसको आप बी बोल रहे हो, है ना, स्मॉल बी डायमीटर है वो,
और ये है ऑब्जेक्ट आपका और ये है एक्स. एनीवेज द एंगल थीटा, यहाँ पे जो थीटा दिया है पैरेलेक्स, दैट इज 1 degree 54 minutes. पहले केस में तो 1 degree दिया था, सिंपल दिया था. अब ये 1 degree 54 minutes में दिया है तो थोड़ा सा टेंशन दिया है आपको. अच्छी बात यह है कि कैपिटल डी की वैल्यू दी है 1.276 × 10⁻¹⁷. तो जो रेडियस से डायमीटर कैलकुलेट करने वो आपका टाइम सेव हो गया. अगर नहीं दिया रेडियस दिया है तो आपको वापस डायमीटर दैट इज बी निकालना पड़ेगा. कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ अ मून फ्रॉम द अर्थ, तो अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है वो निकालना है. सबसे पहले थीटा को कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में. थीटा इज 1 degree 54 minutes है ना. तो 1 degree मतलब 60 होता है, 60 मिनट. तो 60 प्लस 54 मिनट्स हो गए. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो गई 114 मिनट्स है. इसको डिग्री में कन्वर्ट करो. सो 114 डिग्री अपॉन 60. सो 114 अपॉन 60 1 डिग्री की जगह पे आएगा पाई बाय 180 रेडियन, है कि नहीं. सो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 3.32 × 10⁻²² रेडियन. ये ट्राई करो आप. इसको अगर अप्रोक्सीमेटली करना है तो ये पाई है ना 3.14, तो ये 20 देगा आपको. 2 ऊपर अगर आप कट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 56 देगा 56/180. सो 18 × 3 अप्रोक्सीमेटली, यस तो करेक्ट है. 3.32 × 10⁻². ओरली भी कर सकते हो अगर करना है तो. एग्जाम में लॉग टेबल आपको देंगे तो प्रिसाइजली आपको करना है. एनीवेज पॉइंट नंबर 2, बी इक्वल टू एक्स थीटा, तो एक्स तो निकालना है ना हमें. सो एक्स इक्वल टू बी अपॉन थीटा. तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डायमीटर 1.276 × 10⁻⁷ मीटर. सो 1.276 × 10⁷, थीटा की वैल्यू दी है 3.32 × 10⁻². इसको सॉल्व करो आंसर आएगा 3.8 × 10⁸ मीटर्स, ठीक है. तो ये था आपका फाइनल आंसर. तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने पैरेलेक्स के ऊपर जो 2 पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो अच्छे से देखे. और उसके पहले हम लोग ने ये नोट का पार्ट देखा. और ये आप ट्राई करोगे तभी जाके आप आगे प्रोसीड करने वाले हो. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझा है. लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ मास. मास को मेजर करने के कौन से तरीके होते हैं. अगर आप देखते हो ना ग्रोसरी शॉप में अगर आप जाते हो और अगर आपको कुछ फूड ग्रेन वगैरह मेजर करना है तो उनके पास एक बैलेंसिंग मेथड होती है ना. उनके पास एक तराजू होता है, एक जगह पे वो वेट डालते हैं और दूसरे जगह पे जो भी सामान है जो आप खरीदना चाहते हो 1 किलो 2 किलो 3 किलो के हिसाब से, तो फिर मेजरमेंट हो जाता है. अभी क्वेश्चन ये आता है कि चलो ये तो एक ऐसी चीज है कि जो हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, तो स्मॉल लेवल पे तो चीजें मेजर कर सकते हैं. मान लो अगर कुछ बड़ी कार है उसका एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ बहुत हेवी ऐसा सामान है उसको उठाने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में क्रेन यूज करते हैं. आपने देखा है अगर कहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है तो वो स्पेसिफिक टाइम पे गाड़ी को उठा के एक जगह भी दूसरी रखने के लिए एक मूविंग व्हीकल आता है जिसमें एक बड़ी सी क्रेन होती है. वो क्रेन की सहायता से हेवी चीज को भी उठाया जा सकता है. दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा, आपने अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखी ना तो उसका कंस्ट्रक्शन कभी देखना, ठीक है. यूट्यूब पे बुर्ज खलीफा का एक बेहतरीन वीडियो है तो वो आप देखो कि वो बड़ी बिल्डिंग किस तरह से उन्होंने बनाई है. तो बड़ी क्रेन यूज की जाती है, तो नीचे से सामान अगर ऊपर लेके जाना है तो डेफिनेटली वो जो क्रेन है वो यूज करके वो आराम से हेवी चीज को भी एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से उठा लेते हैं. अभी क्वेश्चन आता है कि ये तो चलो ठीक है हम लोग ने फिजिकली चीजों को उठा लिया. क्वेश्चन ये आता है कि अगर बहुत दूर पे अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग कैसे मेजर करें. मान लो अगर मैं अर्थ पे खड़ा हूं और मुझे मून का मास मेजर करना है तो कैसे कर सकते हैं. अगर मुझे मार्स का मास मेजर करना है तो कैसे कर सकते हैं, है ना. तो इसके लिए कुछ मेथड्स यूज होती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल मेथड. तो ग्रेविटेशनल मेथड्स यूज करके लार्ज डिस्टेंसेस पे जो मासेस होते हैं उसको मेजर किया जाता है. अभी हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें ये जो मेथड क्या होती है उसका प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी नहीं करना है. दैट इज अ पार्ट ऑफ अ रिसर्च. अगर आप आगे बीएससी एमएससी फिजिक्स में अगर करते हो, फिजिक्स आपका मेजर है, या फिर एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स के बारे में अगर आप बात करते हो तो वो टाइम पे शायद आपको इसका डिटेल स्टडी करना पड़ सकता है. लेकिन राइट नाउ हमारा जो 11th 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसमें हम लोग जनरली ग्रेविटेशन चैप्टर में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे. तो जो रेडीमेड फॉर्मूला है वो डायरेक्टली हमें यूज करना है. एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/r², उसमें से एक मास हमें पता होता है और दूसरा मास हमें नहीं पता होता है. तो ये मेथड यूज करके लार्ज डिस्टेंसेस पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है. लेकिन रिसर्चर जो होते हैं वो ये सारी चीजों के ऊपर बहुत तगड़ा रिसर्च करते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है. क्योंकि यहां से अगर हम लोग देखते ना तो सही ढंग से हम लोग अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वहां पे जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी कितनी है ना. बिकॉज वो सारी चीजें भी मैटर तो करने वाली है ना.
एनीवेज, अगर बहुत छोटे डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके मास को कैसे मेजर करोगे? मान लो अगर मुझे एटम मेजर करना है तो जो ग्रोसरी शॉप पे गए थे वो भाई साहब आपको करके देंगे क्या? नहीं ना, है ना। तो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको उसके लिए मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज करना पड़ेगा। मास स्पेक्ट्रोग्राफ को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज एसी सर्किट्स का बेसिक्स अगर आपको आता है तो वो स्पेसिफिक टाइम पे आप स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए मास को कैसे मेजर करना है वो आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन राइट नाउ हमें वो नहीं पता तो इसके लिए उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पे देखो, अगर मुझे शॉर्ट में अगर आपको बताना है ना, तो मान लो मेरे पास मैग्नेट्स है और उसको यूज करके दो मैग्नेट्स का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो अलग मैग्नेट्स का नॉर्थ पोल और साउथ पोल यूज करके मान लो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, बीच में अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप किया और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल पार्टिकल लेंगे उसको मूव करेंगे। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसे टाइम पे हम लोग मास को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दिस द रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ पार्टिकल। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके बारे में जो पढ़ाई है वो अभी हमें नहीं करनी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि मास को मेजर करने के तरीके कौन से होते हैं। अभी ये देखते हैं कि हमें जो पढ़ना है उसमें ऑर्डर ऑफ अ मास क्या होता है। ये वैल्यूज आपको याद नहीं करने हैं, न्यूमेरिकल के हिसाब से ये वैल्यूज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन हम लोग देख तो लेते हैं, क्यूरियोसिटी होता है। इलेक्ट्रॉन का अगर आप देखते हो ना, तो मास का ऑर्डर देखो 10^-30 है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखो कितना है, 10^-27 है ना। तो इसके लिए तो लाइक कंपेरेटिवली हेवी है ना। यूरेनियम एटम देखो 10^-24, आरबीसीज आपके बॉडी के अंदर होती है 10^-14। अगर एक नॉर्मल सेल आप देखते हो तो 10^-10। डस्ट पार्टिकल जो आपके घर में आजू बाजू में आपको दिखाई देता है, एटमॉस्फेयर में दिखाई देता है 10^-9। रेन ड्रॉप है ना, कभी रेन ड्रॉप पकड़ा है क्या आपने? 10^-6 है उसका ऑर्डर। घर में घूमते हुए मच्छर मॉस्किटो देखो कितना है, 10^-5। ग्रेप 10^-3। फ्रॉग है ना, जो उड़ उड़ के आता है ना एक जगह से दूसरी जगह पे, फ्रॉग छोटा जमीन के ऊपर उड़ने वाला है ना, 10^-1। आप हो आदमी 100 किलो का आदमी है ना, 10^-2 है ना, 100 किलो अप्रोक्सीमेटली दिया है ये, इसके आजू बाजू में ही होता है आंसर। कार देखो, कार 1000 किलो की कार होती है क्या? 1000 किलो की। अभी देखो एक बड़ा सा हाथी अपने पास, वो भी 1000 किलो का ही होता है ना अप्रोक्सीमेटली, है ना। अगर मेरे पास शीप है, बड़ी शीप टाइटेनिक जैसी है, उससे 10^5 उसका वजन होगा। बोइंग एयरक्राफ्ट 747 देखो इसका साइज 10^8 है कि नहीं। मून देखो, मून 10^23, अर्थ 10^25। अर्थ बड़ी है ना मून से, तो देखो ना ये सिर्फ दो फैक्टर से चेंज हुआ है, 23 से 25। लेकिन देखो ना अर्थ अपनी कितनी बड़ी है, और सन देखो ना, सन अपनी कितनी सारी अर्थ अगर आप देखते हो तो बहुत सारी अर्थ को जब हम कनेक्ट करेंगे तभी जाके सन बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ना सिर्फ फर्क 5 का दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ नहीं है, ये बहुत बड़ा है। मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम सब है 10^42, और एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उसका अगर आप मास देखते हो तो 10^55 है ना। कितनी बेहतरीन चीज है, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो ऐसे बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजों को हम लोग काउंटर करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में एक बेहतरीन जानकारी ली। Let us discuss the concept of a measurement of a time. अभी ये देखते हैं कि टाइम को किस तरह से मेजर करना चाहिए। टाइम को मेजर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था, लेकिन उसमें से जो मोस्ट रिकॉग्निजेबल था वो था इटालियन फिजिसिस्ट गैलीलियो। इन्होंने एक अटेम्प्ट किया था कि एक टाइम को किस तरह से मेजर करेंगे। देखो ना, बहुत सालों पहले लोगों को सिर्फ इतना पता था कि सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, आफ्टरनून हो रहा है, इवनिंग हो रहा है ना। आपने ये देखा होगा अगर आप लाइक सीरियल्स अगर देखते हो तो प्रातः प्रहर, माध्यान्ह प्रहर, ऐसा आपने सुना होगा। तो वो टाइम पे प्रहर ये वर्ड यूज करके लोग टाइम को मेजर करते थे। लेकिन साइंटिफिकली जो एक अच्छा अटेम्प्ट था वो गैलीलियो ने किया था। गैलीली टाइम द ऑसिलेशंस ऑफ अ लैंप हैंगिंग ऑन अ लॉन्ग चेन इन अ चर्च यूजिंग हिज ओन पल्स एज अ वॉच। ठीक है, तो देखो ना, अगर आप एक ह्यूमन हैंड अगर आप यूज करते हो तो आपकी पल्सेस भी होती है ना। तो उसको लाइक टाइम काउंट करना मतलब क्या होता है, रेगुलर इंटरवल से कोई भी अगर एक चीज रिपीटेड हो रही है तो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में वो कितनी हो रही है, वही तो हमें पता करना है। 10 बार हो रहा है, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, ऐसे 10 कितनी बार हो रहे हैं, या फिर अगर हम 60 सेकेंड्स के बारे में बात करें तो 60 सेकेंड्स के लिए फिर वो 1 मिनट कंसिडर किया, फिर 1 मिनट के लिए 1 आवर कंसिडर किया, 12 आवर्स कंसिडर किए। तो ये सारा जो होता है वो बेसिक से होता है। तो इसके लिए एक स्ट्रांग अटेम्प्ट जो था वो गैलीली ने किया था। अभी देखते हैं कि और बहुत सारे ऐसे क्लॉक से जो बाद में बने। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स, इसका मतलब क्या होता है।
हमें पता है कि अपनी जो कंट्री है ना उसकी जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी है, जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है ना, वो 50 हर्ट्ज की होती है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाते हो तो वहां पे जितनी भी मशीनरी काम करती है वो 60 हर्ट्ज में काम करती है। तो आपके घर में जो एक मेन एसी सप्लाई आता है वो 50 हर्ट्ज का है। अभी यहाँ पे क्या होता है, एक सिंक्रोनस रोटेशन ऑफ अ मोटर यूज करते हैं और टाइम स्केल को ऑप्टेन किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एसी सर्किट्स में मिलने वाली है, तो उसमें हम लोग एलसी ऑसिलेशंस क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, तो उसके हिसाब से टाइम फैक्टर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो हम लोग सही ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे हमें इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर क्या होता है इसका सिर्फ ओवरव्यू जानना है, इसकी जो डिटेलिंग है वो आप आगे पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में, एज वेल एज जो इंजीनियरिंग आगे जाके आप करोगे उसमें आपको इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स के बारे में बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहां पे तो प्रॉपर चैप्टर्स होते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स, ठीक है, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता है और जंक्शन ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता है या फिर ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसका यूज किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हाई फ्रीक्वेंसीज में जनरेट किया जाता है। द स्मॉल टाइम पीरियड फॉर सच ऑसिलेशंस, उसको आप टाइम इंटरवल्स के लिए यूज कर सकते हो। अभी ऑसिलेशन ये सारे जो वर्ड्स है ना वो आपको बाद में पता चलने वाले। अभी ये जो पहले दो डिस्कस किए ना उसमें ना दो चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रिक एंड दूसरा इलेक्ट्रॉनिक, है ना। ये दोनों में क्या फर्क है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सेम होता है क्या, ये मेरा सबसे पहले आपको सवाल है, ठीक है। अगर आप देखते हो ना तो एक फेमस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, जेठालाल वाली, और दूसरा है गला इलेक्ट्रिकल्स, है ना। तो गला इलेक्ट्रिकल्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दो अलग अलग है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान देखते हो ना तो उसमें देखो कौन सी चीजों को बेचा जा रहा है, इलेक्ट्रिकल की जो दुकान होती है उसमें देखो कौन सी चीजों को बेचा जा रहा है ना, फर्क अपने आप समझेगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स के इसमें आपको मोबाइल्स दिखाई दे रहे हैं, टेलीविजन दिखाई दे रहा है, रेफ्रिजरेटर दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक के इसमें देखो ना आपको क्या दिखाई दे रहा है, लाइक फैन बेच रहे है ना, या ऐसी सारी चीजें बेच रहे हैं जिसमें आपको मेमोरी नहीं लगती। तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक में एक जनरल पर्पज ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास स्टोरेज के लिए या प्रोसेस करने के लिए मेमोरी होती है, उसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो अगर आप देखते हो तो आज के जमाने में आपके पास स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट वॉच आप यूज कर रहे हो, है ना, स्मार्ट मोबाइल फोन्स आपके पास है, तो ये जो सारी चीजें हैं ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है। और इलेक्ट्रिक में कैसा होता है, वो स्मार्टनेस नहीं होता, आपको मैन्युअली सारी चीजें करनी पड़ती है। वोल्टेज रेगुलेशन, डीरेगुलेशन करने के लिए आपको मैन्युअली करना पड़ता है ना। आपके घर में देखो ना, जब आप फैन ऑन करते हो तो रेगुलेट करते हो, आप हाथ से कर रहे हो, है कि नहीं। फिर आप में से कोई होशियार बच्चा बोलेगा कि मान लो सर वो जो रेगुलेटर है उसमें अगर मैंने चिप बनाई उसके लिए और रिमोट कंट्रोल से अगर मैं उसको कंट्रोल करूंगा तो फैन को मैं इलेक्ट्रॉनिक बोल सकता हूं क्या, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको आगे जाके पढ़ने वाले हैं और इसके जवाब भी हम लोग आगे जाके ढूंढेंगे। नेक्स्ट है सोलर क्लॉक। सोलर क्लॉक क्या होता है, अर्थ हमें पता है कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सो केयरफुल मेजरमेंट शोज दैट पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम डे टू डे, ईयर टू ईयर, है कि नहीं। हमें पता है, देखो अगर हम लोग सेंटर पे सन कंसिडर करते हैं यहां पे किधर, तो अर्थ ऐसे रिवॉल्व करती है, तो एक ऐसा टाइम होता है कि अर्थ और सन एक दूसरे के नजदीक होते हैं और एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है जहां पे सन और अर्थ एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो जब भी सन और एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो वो टाइम पे हमें यह पता है कि जो आपका नॉर्थ वाला पोर्शन है, नॉर्थ हाफ ऑफ अर्थ, ठीक है, और साउथ हाफ ऑफ अर्थ, इस तरह से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमें यह देखना होता है कि सनलाइट कहाँ पे ज्यादा गिर रही है, उसके हिसाब से डे और नाइट्स को कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद जब भी अर्थ दूर होती है तो साउथ वाला पोर्शन जो होता है वहां पे ज्यादा सनलाइट आपको दिखाई देती है ना, समर सॉलिसिटेस, विंटर सॉलिसिटेस, ये सारी चीजें आपने अपने स्कूल टाइम में देखी है। सो केयरफुल मेजरमेंट शोज दैट द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम डे टू डे, ईयर टू ईयर, है कि नहीं। देयरफॉर एक्यूरेसी ऑफ अ मीन सोलर सेकंड डिफाइंड ऑन दिस बेसिस बिकम्स क्वेश्चनेबल। तो ये है सोलर क्लॉक के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले देखो आपके पास एक वॉल्क क्लॉक था, उसके बाद आपने ये देखा होगा कि जो पुराने टीवी सीरियल्स आते थे ना उसमें वो रेत वाला यूज करते थे, एक कोनिकल ऐसा एक वेसल होता था और एक रेत होती थी, उसमें से छोटी थोड़ी रेत गिरती थी और टाइम खत्म होता था, ठीक है ना। तो क्लॉक जनरली क्या होता है, मेजरमेंट के लिए आप यूज कर रहे हो। उसके बाद वॉल क्लॉक्स आए, है ना, वॉल्स के ऊपर आप यूज कर रहे हो। उसके बाद हैंड के ऊपर यूज करने वाले क्लॉक्स आए, आप जो यूज कर रहे हो। उसके बाद अभी डिजिटल क्लॉक्स आए हैं कि नहीं। तो ये मतलब क्लॉक क्या है, एक जनरल मेजरमेंट के लिए यूज किया गया। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। ये इसका मतलब क्या होता है, अभी देखो ना एक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके एक चीज होती है। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, मान लो मेरे पास अगर कोई भी एक ऐसी डिश है जिसको अगर मैंने मैकेनिकल वाइब्रेशन दिया तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो मैकेनिकल वाइब्रेशन को हम लोग इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो चीज होती है ना इसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ये एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा जाता है।
अगर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग प्रेशर अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको एक ऑसिलेटिंग ईएमएफ जनरेट हो रहा है ऐसा दिखता है। अब ये ऑसिलेटिंग ईएमएफ क्या है ना, इसके लिए आप सिर्फ इतना साइनोसाइडल सिंबल इतना ध्यान में रखो, जो आप एसी सर्किट्स में अगर आपको स्कूल टाइम में पता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैव अ पेशेंस। तो ये एक डेवलप होता है दूसरे पेयर में एंड वाइस वर्सा, और ये होते रहता है। तो ये ऑसिलेशंस जो है वो टाइम मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। सो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक्स हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 1 in every 10^9 seconds। तो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक क्लॉक, ये क्या होता है। तो एटॉमिक क्लॉक क्या होता है, एटम्स का यूज करके हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं क्या। इट इज एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ अ टाइम विच इज बेस्ड ऑन अ पीरियडिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ सीसीएम एटम। सीसीएम एटम को यूज किया जाता है और एटॉमिक क्लॉक उससे बनाया जाता है। द इफिशियंट सीसीएम एटम क्लॉक्स आर सो एक्यूरेट दैट दे इम्पार्ट अनसर्टेनिटी इन टाइम रियलाइजेशन एज +-1 × 10^-13। दैट इज 1 part in 10^13। ठीक है, मतलब अगर हम लोग देखते हैं ना तो इसमें ना एरर जो होता है ना ये बहुत कम होता है। अभी ये जो क्लॉक है इससे यूज करके टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं, अभी ये एटम यूज करने के बाद उसमें से जितनी भी वेवलेंथ बाहर निकल रही है तो वो वेवलेंथ को यूज करके उसको नापा जाता है और उससे टाइम पीरियड कैलकुलेट इजिली किया जा सकता है। तो ये है एटोमिक क्लॉक सीसीएम यूज करके जो यूज करते हैं उसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च जो है वो आपको आगे जाके जब आप बीएससी एमएससी वाला फिजिक्स करोगे उसमें आपको बहुत कुछ पढ़ने मिल सकता है, या एज ए इंटरेस्ट आप पढ़ सकते हो। राइट नाउ ये चैप्टर के लिए हमें जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हम लोग कवर करने वाले। डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो ये आपने स्कूल टाइम में देखा होगा, रेडियो एक्टिव डीके होता है ना, हाफ लाइफ होती है, तो ये यूज करके भी टाइम को मेजर किया जा सकता है। सो फोटोग्राफिक इमल्जन टेक्निक ये यूज करके आप टाइम इंटरवल्स निकाल सकते हो, और इसकी जो रेंज है दैट इज 10^-16 second to 10^-24 second। तो डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स यूज करके भी टाइम इंटरवल को नापा जा सकता है। नेक्स्ट है रेडियोएक्टिव डेटिंग। रेडियोएक्टिव डेटिंग क्या है, देखो ये टेक्निक जो है वो लॉन्ग टाइम इंटरवल्स मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है दैट इज 10^7। 10^7 को अगर आप आवर्स में कवर करोगे ना, कन्वर्ट करोगे, तो बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा, करके देखो अगर आपको करना है तो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे फॉसिल फ्यूल का टाइम ड्यूरेशन निकालना है कि वो कितना पुराना है, रॉक कितने पुराने जो अर्थ के ऊपर है, सो ऐसा आपको देखने मिलेगा कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना 10,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले, ये सब आंसर्स आपको मिलेंगे। इज एस्टिमेटेड बाय स्टडिंग द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स डीके टू नंबर ऑफ सर्वाइविंग एटम्स इन अ स्पेसिमेन। अब ये देखते हैं कि जो ओवरऑल इवेंट्स अर्थ के ऊपर होता है तो कौन से इवेंट के लिए अप्रॉक्सिमेटली कितना टाइम होता है। तो एक बेहतरीन चीज है, मजा आ जाएगा आपको ये सुन के, लाइफ स्पैन ऑफ अ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल। तो देखो इसका लाइफ स्पैन देखो कितना कम है, 10^-24, ये उसका ऑर्डर है। टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस अ डिस्टेंस ऑफ अ न्यूक्लियर साइज, देखो न्यूक्लियर साइज कितना छोटा होता है और उसमें से अगर लाइट को पास करना है तो 10^-22, इतना एक ऑर्डर टाइम का लगेगा। टाइम पीरियड ऑफ एक्सरे कितना होता है, 10^-19। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम है ना, तो 10^-15। पीरियड ऑफ अ विजिबल लाइट वेव्स, 10^-15। जितना लाइट वेव्स आप देख सकते हो तो उसका भी एक है ना, कितना फास्ट वो वेव मूव करेगी, तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन है। ये वेव है और ये वेव का एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम टेकन बाय विजिबल लाइट टू क्रॉस थ्रू अ विंडो पेन, विंडो पेन देखो ना उसका थिकनेस बहुत कम होता है, उसमें से लाइट को जाने के लिए 10^-11 इतना टाइम लग रहा है। लाइफ टाइम ऑफ अ एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम, ये क्या है, ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में और अच्छे से देखने मिलेगा, फिलहाल तो ये देख लेते कि इसका आंसर क्या है, 10^-8। पीरियड ऑफ अ रेडियो वेव्स, 10^-6। टाइम पीरियड ऑफ ऑडिबल साउंड वेव्स, 10^-3। विंक ऑफ आई है ना, मतलब आप विंक करते हो आई का, तो टाइम कितना लगता है, 10^-1। मतलब एक सेकेंड में देखो ना आप कितनी बार करते हो, कभी कभी 3-4 बार आप कर लेते होंगे। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट्स, 10^0 है ना, तो एनीथिंग रेस्ट टू जीरो क्या कंसिडर कर सकते हो आप, 1 कंसिडर कर सकते हो क्या। टाइम ट्रैवल ऑफ अ लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ, तो देखो ना एकदम फटाक से आ रहा है, मून से अर्थ पे लाइट आने को देखो ना कितना कम टाइम लग रहा है। ट्रैवल टाइम ऑफ अ लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ है ना, देखो 100 ऑर्डर है। हाफ लाइफ ऑफ अ फ्री न्यूट्रॉन, 10^3। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, 10^4 है ना। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट मतलब अर्थ के अराउंड सैटेलाइट को मूव करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। टाइम पीरियड ऑफ अ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, 1 डे में देखो 10^5 होते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ रिवोल्यूशन अराउंड सन, 10^7। देखो ना ये 10^5, 10^7 सिर्फ 2 पावर का डिफरेंस है, लेकिन ये 2 पावर का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, 1 दिन और 365 डेज इतना डिफरेंस है वो। एवरेज लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बींग, 10^9 है ना, कितना साल जीते हो आप। एज ऑफ इजिप्शियन पिरामिड, 10^11 इतना पुराना है वो। एज ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स देखो कितना पुराना है, 10^7। ये 10^7 को अगर 17 को अगर आप ईयर्स में कन्वर्ट करते हो तो एक बहुत बड़ा नंबर आपको मिलेगा।
सो अभी हमने क्या किया, मेजरमेंट ऑफ अ टाइम के लिए एक ब्यूटीफुल स्टडी हमने किया। आई होप कि ये पार्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझा है। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ डायमेंशंस। तो डायमेंशंस किस तरह से फाइंड आउट करने होते हैं, बहुत आसान होता है। और इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव फिजिक्स में हमेशा दिखाई देता है। एक क्वेश्चन पहले तो जेईई एडवांस में भी इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे और अभी भी पूछे जा रहे हैं, और मेंस में भी आ रहे हैं, और नीट में भी इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट बोर्ड के आपके एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक बार अगर आपको ये पता चल गया ना कि ये खेल क्या है, आपको लाइक ये आसान हो जाएगा। कोई भी दुनिया का डायमेंशंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कभी भी एरर नहीं होगा। मैं आपको प्रॉपर बेसिक से पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप स्पीड के ऊपर काम करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस कैसे लिखते हैं, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है एसआई सिस्टम में। मास है, लेंथ है, टाइम है कि नहीं, टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करोगे आप, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है जिसके लिए आप ए रिप्रेजेंट करोगे, है ना। इंटेंसिटी के लिए आपके पास कैंडेला है, और उसके बाद आपके पास मोल है। तो ये सारी चीजें आपके पास है। एनीवेज, तो इसमें से हम लोग को मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद करंट और मोल, ये लगेगा। तो ये यूज करके हम लोग मैक्सिमम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना। वेलोसिटी का अगर जनरल फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो ये क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं। तो डिस्टेंस के लिए आप क्या यूज करोगे, अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लोगे, मास, लेंथ और टाइम, ऊपर जितनी भी क्वांटिटीज है उसमें से मास, लेंथ, टाइम हम लोग यूज करने वाले हैं। तो एनीवेज, मेरे पास मास है, लेंथ है, मेरे पास टाइम है, और नीचे मेरे पास हम लोग अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे एम, एल और टी के टर्म्स में, ठीक है। लेंथ में मास कुछ है क्या, नहीं, तो एम की पावर होगी आपकी 0, एल है यहाँ पे तो लेंथ की पावर होगी 1, तो एल के ऊपर आप कुछ लिखो या फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ 1 लिखोगे तो भी उसका मतलब वही होता है, और कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब भी 1 होता है। और यहाँ पे टाइम के बारे में कुछ है क्या, तो नहीं, तो ऊपर 0। और नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, मास है क्या, कोई भी नहीं है, लेंथ है क्या, कोई भी नहीं है, और टाइम का पावर क्या है, 1। अभी ये जो पूरी चीज है इसको हमें फाइनल आंसर के टर्म्स में लिखना है। अभी देखो ये मास के लिए तो कोई टर्म है नहीं, तो एम के लिए पावर होगा 0, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मास को मीटर कंसिडर कर देते हैं और आंसर गलत आता है, तो वो आपको अवॉइड करना है। देखो ये लेंथ है तो ये 1 है, और ये एल रेस्ट टू 0 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं ना, मतलब है, तो यहाँ पे एल की पावर होगी 1। ये टी 0 है और ये टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी रेस्ट टू माइनस 1, तो यहाँ पे टी की पावर क्या होगी आपकी, माइनस 1। तो डायमेंशन वेलोसिटी का क्या होता है, एम 0 एल 1 टी माइनस 1। इसको करने का और एक आसान तरीका, वेलोसिटी का यूनिट लिख दो, मीटर पर सेकेंड होता है ना, तो मीटर क्या है लेंथ, सेकेंड क्या है टाइम, सो एम 0 एल 1 टी माइनस 1, ये हो गया आपका डायमेंशन वेलोसिटी का, सिंपल आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे डायरेक्ट आंसर लिखना है और मुझे ये डिस्टेंस टाइम के टर्म्स में भी नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा अगर मैंने इसका यूनिट लिख दिया, तो मीटर के लिए देखो मास तो यहाँ पे कुछ है नहीं, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एल का पावर 1 और टी का पावर क्या होगा यहाँ पे, माइनस 2। तो ये किसका डायमेंशन होगा, एक्सेलरेशन का, सो एम 0 एल 1 टी माइनस 2, इस तरह से आप लिख सकते हो। और अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो इसमें फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज अ चेंज इन अ वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी के लिए आपको अगेन लिखना पड़ेगा लेंथ इंटू टाइम इंटू टाइम। तो इस तरह से करके आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम लोग लाइक थोड़ा सा शॉर्ट में देख रहे हैं, आप एग्जाम में ये प्रॉपर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा स्कोर मिल जाएगा। एनीवेज, फोर्स देखो, फोर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, फोर्स क्या होता है आपका, मास होता है इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन है आपके पास, मास के लिए यूनिट क्या है, केजी, एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन लिख सकते हो क्या, तो मास है यहाँ पे एम रेस्ट टू 1, लेंथ है यहाँ पे एल रेस्ट टू 1, टी रेस्ट टू पावर क्या आएगा, माइनस 2, तो एम 1 एल 1 टी माइनस 2, ये किसका डायमेंशन होगा, ये आपका फोर्स का डायमेंशन होगा। वर्क के लिए क्या लिखोगे, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो फोर्स के लिए मेरे पास ऑलरेडी डायमेंशन है, सो एम 1 एल 1 टी माइनस 2, और डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट में क्या लिख सकता हूँ, एल 1 लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पे मास और टाइम है नहीं, तो अननेसेसरी वो लिखने की जरूरत नहीं थी, ये पहला केस था वेलोसिटी वाला, तो इसके लिए मैंने आपको करके बताया, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो फाइनल आंसर क्या आएगा वर्क का, वर्क का फाइनल आंसर होगा एम 1 एल 2 टी माइनस 2, ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ वर्क। एंड बहुत सारे केसेस में आपने ये स्टेटमेंट देखा होगा, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ एनर्जी, है ना। सो वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन आपका सेम होगा, एम 1 एल 2 टी माइनस 2।
आप बोलेंगे कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होती है कि नहीं। सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है ना, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अभी जो नंबर होता है ना, नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, हमेशा ध्यान में रखना। तो अगर ये चीज़ अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो डायमेंशन देखो ना मैच हो रहा है क्या, हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लूँ, पोटेंशियल एनर्जी के लिए एम जी एच लिख सकते हो, अगेन करके देखो के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आएगा। सो एम वन एल टू टी माइनस टू विल बी डायमेंशन ऑफ एनर्जी। कर पाओगे क्या, आसान है। ओके, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम है कि नहीं। तो वर्क डन के लिए तो मेरे पास डायमेंशन है ऑलरेडी, लिखो ना फिर एम वन सही है एल टू टी माइनस टू, वेरी गुड। और टाइम नीचे है मेरे पास टी वन, ये रीअरेंज करो, फाइनल आंसर क्या आएगा एम वन एल टू टी माइनस थ्री। ये क्या होगा आपका पावर के लिए डायमेंशन हो गए, एम वन एल टू और ये टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस थ्री है क्या नहीं। एनी वेज चार्ज, अभी यहाँ पे देखो करंट क्या होता है, करंट ठीक है क्यू अपॉन टी होता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। सो करंट इंटू टाइम, करंट के लिए A यूज करेंगे, टाइम के लिए T यूज करेंगे, तो चार्ज के लिए डायमेंशन क्या होगा A इंटू टी, लिख सकते हैं ना, आसान है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है सही है ना, तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो डायरेक्ट फाइनली लिखो एम वन, ये वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब है ना, सो एल रेस टू माइनस थ्री। टाइम आएगा कि यहाँ पे नहीं आएगा, तो आंसर इज अ जीरो, वेरी गुड। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर प्रेशर या फिर स्ट्रेस, स्ट्रेस या फिर प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ सारे फॉर्मूले पता है फटाफट, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, और ये सारी बेसिक चीज है ना, ये आपने स्कूल टाइम में भी किया है। आगे जाके कुछ डायमेंशन है जिसके फॉर्मूले भी अगर आपको नहीं पता तो भी चलेगा, मैंने ऑलरेडी लिख के दिए है, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। सो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू या फिर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन मेरे पास है, देखो फोर्स का किधर है, ये देखो ये एम वन एल वन टी माइनस टू, और एरिया एरिया के लिए हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर से हम उसका यूनिट लिखते हैं। सो फाइनल आंसर क्या होगा इसका मेरा, यहाँ पे लिखो एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू सही है, ये देखो ये एल ऊपर जाएगा है ना, तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। सो एम वन एल वन टी माइनस टू, ये तो मेरे पास इसका फॉर्मूला था, उसके बाद स्ट्रेस का आया मेरा एम वन एल माइनस वन और ये टी माइनस टू। एनीवेज स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन स्ट्रेन का मतलब क्या होता है पता है, अगर मेरे पास एक वायर है और उसकी लेंथ एल है, ठीक है मान लो ये वायर है मेरे पास और उसकी लेंथ एल है, इसको अगर आपने खींचा तो इसका डायमेंशन चेंज होगा, तो ये इंक्रीज इन अ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन अ डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो चेंज इन अ डायमेंशन डेल्टा एल से चेंज हुआ है और लेंथ इसकी ओरिजिनल एल है, तो मीटर अपॉन मीटर तो कट हो जाएगा, सो देर विल बी नो डायमेंशन। सो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, नो डायमेंशन, समझ रहे हो आप। तो ये हो गया आपका स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये कुछ चीजें हैं जो आपको इलास्टिसिटी चैप्टर में मिलेगी, लेकिन ये सारी जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है ना, इसके लिए फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये उनका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फिलहाल के लिए आपको याद करना है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड्स के लिए आता है तो फिर आपको स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको डायरेक्टली स्ट्रेस का फॉर्मूला निकालना है, स्ट्रेन का निकालना है। तो स्ट्रेस के लिए मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, तो यहाँ पे लिखो एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, करेक्ट है एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, और स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो फाइनल आंसर होगा मेरा एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू है कि नहीं। तो ये बन गया मेरा यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ध्यान में रखो, और जो भी क्वेश्चंस आगे हम लोग करेंगे तो उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा, तो बेसिक यूटिलाइजेशन करके आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना उसके लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू। तो F क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, Q क्या होता है, ये चार्ज होता है। तो F का डायमेंशन भी हमें पता है और Q का भी पता है, तो लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। देखो F का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या है मेरे पास एम वन एल वन टी माइनस टू, और Q के जगह पे क्या लिख सकते हो ए टी है कि नहीं। तो रीअरेंज करो तो E का क्या होगा आपका एम वन, ठीक है एल वन, उसके बाद T आपका ऊपर जाएगा T रेस टू माइनस थ्री और A रेस टू माइनस वन। तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए,
ठीक है, फॉर्मूला है ना। सो देखो ना, आपने क्या किया, फोर्स के लिए सब्स्टिट्यूट किया और क्यू के लिए सब्स्टिट्यूट किया। तो फोर्स के लिए क्या है, एम वन एल वन टी माइनस टू, और उसके बाद आपके पास क्यू के लिए है ए इंटू टी, है ना। सो चार्ज के लिए आपने ए इंटू टी लिखा, रीअरेंज किया, एम वन होगा, एल वन होगा, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी रेस टू माइनस थ्री, और ये है आपके पास ए, और वो करंट जो है वो ऊपर जाएगा और बनेगा माइनस वन, ठीक है। वोल्ट, वोल्ट क्या होता है, वर्क डन ऑन अ चार्ज, सो डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना। तो W अपॉन Q, तो W का डायमेंशन हमें पता है, क्या पता है, मान लो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, W के जगह पे क्या लिखोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और उसके बाद Q, फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, वो सब यूज करके आप W का अलग से फॉर्मूला लिखो, Q के लिए लिखो, और उसके बाद दोनों का रेशो लो, ठीक है ना। अभी हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है, तो W के लिए क्या है देखो, ढूंढो W क्या होगा, एम वन एल टू टी माइनस टू, एम वन एल टू टी माइनस टू अपॉन क्यू के जगह पे क्या लिखोगे, ए टी, रीअरेंज करो इसको, क्या होगा, सही है, एम वन एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, तो ये बन गया आपका वोल्ट के लिए फॉर्मूला, है कि नहीं। सो सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए किस तरह से करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, phi is equals to E vector dot A vector, तो ये vector क्या है वो आप छोड़ दो, ठीक है, तो E vector dot A vector which is equals to E into A into cos theta, ऐसा उसका formula होता है, so E into A into cos theta, ठीक है। अभी ना एक बात ध्यान में रखो, जितने भी trigonometric functions होते हैं ना, sin theta, cos theta, ठीक है, तो sin theta क्या होता है, opposite upon hypotenuse, तो length upon length, तो dimensionless quantity होती है, तो phi के लिए E into A के का प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो E के लिए डायमेंशन ऑलरेडी आपने लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है M1 L1 T माइनस थ्री ए माइनस वन, ये हो गया आपका E का फॉर्मूला, और एरिया के लिए आप क्या लिख सकते हो, L स्क्वायर लिख सकते हो, तो रीअरेंज करो, है ना, M1 ये L क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए डायमेंशन समझा, M1 L3 T माइनस थ्री ए माइनस वन, है ना। एप्सिलॉन नॉट, अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट, और नीचे मैंने म्यू नॉट ये भी लिखा है, तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी ही चाहिए। जितना भी आगे जाके क्वेश्चंस आप देखोगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हर जगह पे उसका है, पता नहीं जो जेई मेन्स एडवांस नीट का क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनका क्यों पता ये फेमस है या फेवरेट है पता नहीं, हमेशा आता है। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए कैसे करोगे, एप्सिलॉन नॉट के लिए मुझे कूलम का फॉर्मूला भी पता है तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कूलम का फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये बन गया F के लिए फॉर्मूला, है ना। तो इससे मुझे एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो निकाल सकते हैं क्या, आंसर इज यस। सो एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट विल बी, देखो ये एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा तो फोर पाई ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसको हटा देते हैं, Q1, Q2 क्या है, ये चार्ज है ना, तो चार्ज की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टी स्क्वायर, क्योंकि दो बार है, समझ रहे हो आप, ये F नीचे आएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, F नीचे आएगा, तो F की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑलरेडी F के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, F के लिए क्या फॉर्मूला है, M1 L1 T माइनस टू, तो लिख देते हैं यहाँ पे M1 L1 T माइनस टू, और उसके बाद ये आर स्क्वायर है, हाँ तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, एल स्क्वायर है, तो रीअरेंज करो, देखो एक लाइन में आंसर आया कि नहीं, तो ये m ऊपर जाएगा, m रेस टू माइनस वन, ठीक है, ये l क्यूब होगा और ऊपर जाएगा, l रेस टू माइनस थ्री, ये t रेस टू माइनस टू है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t रेस टू प्लस फोर, और ये a का स्क्वायर होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना ही चाहिए। सो m माइनस वन एल माइनस थ्री टी रेस टू फोर ए स्क्वायर, ये होगा एप्सिलॉन नॉट के लिए डायमेंशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसको B से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करें, ठीक है, तो B के लिए तो हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं मैं आपको, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां पे ये फॉर्मूला किसका है पता, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक चार्ज को एक वेलोसिटी के साथ मूव करते हो तो उसके लिए फॉर्मूला है। एनीवेज F रिप्रेजेंट फोर्स, Q रिप्रेजेंट चार्ज, V रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, B रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, एंड साइन थीटा तो आपका लाइक एंगल है, तो साइन थीटा का तो यूनिट होता है लेकिन उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये चीज हमें पता है। सो एनीवेज ये इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करते हो तो B की वैल्यू आपको मिलेगी F अपॉन
क्यू इंटू वी, और साइन थीटा को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि साइन थीटा इज अ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा. एनीवेज सो एफ के लिए हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं ना. एफ के लिए हमें पता है, देखो एफ का ऑलरेडी निकाला है, एम वन एल वन टी माइनस टू. सो एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन क्यू के जगह पे लिख सकते हो ए इंटू टी, चार्ज है ना, और वेलोसिटी के जगह पे क्या लिख सकते हो, एम जीरो एल वन टी माइनस वन. तो ये हो गया आपका डायमेंशन. अभी रीअरेंज करो इसे. सो रीअरेंज करोगे तो m का पावर 1 आएगा, और कुछ है नहीं यहाँ पे, है ना. l का पावर देखो यहाँ पे, l ये l1 है, ये l1 है, कट हो जाएगा, ठीक है. तो l का पावर आएगा आपका 0, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा, है ना. अभी यहाँ पे देखो t का पावर 1 है और t का पावर माइनस 1 है, तो t t का पावर भी कट हो जाएगा, तो ऊपर जो है उतना ही बचेगा, t रेस 2 माइनस 2, और उसके बाद ये a है a, और ये a ऊपर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, a रेस 2 माइनस 1. सो एम वन एल जीरो टी माइनस टू ए रेस टू माइनस वन विल बी डायमेंशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, बी का वैल्यू होगा, है ना. तो बी का वैल्यू देखो वापस एक बार चेक करो, एम वन है, एल कट हो गया, एल जीरो टी क्या होगा, देखो ये एक कट हो जाएगा, टी रेस टू माइनस टू, और ए के लिए होगा आपका माइनस वन, है ना. तो ये हो गया आपका बी का वैल्यू. अभी देखते हैं म्यू नॉट. अभी म्यू नॉट ना ये एक जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, क्योंकि जितनी भी एग्जाम्स है उसमें एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट ये आता ही है. एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और इसका मतलब होता है मैग्नेटिक परमियाबिलिटी. तो ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं एग्जामिनर्स को ये चीज़ क्यों इतनी पसंद. तो म्यू नॉट के लिए सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, है ना. तो मैं आपको सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्मूला दे देता हूँ, बायट सर्वॉट्स लॉ के हिसाब से, है ना. इसका एक फॉर्मूला होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, ये इसका फॉर्मूला है. अभी इसमें देखो 4 पाई इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, साइन थीटा डायमेंशनलेस, डीएल जो है वो लेंथ होती है, आई रिप्रेजेंट करंट, आर स्क्वायर ये भी एक लेंथ ही होती है ना. और यहाँ पे मेरे पास बी है, तो हमें क्या करना है, म्यू नॉट चाहिए. तो म्यू नॉट के लिए रीअरेंज करो, है ना. सो बी जो कॉन्स्टेंट चीज है उसको लिखो मत, चलता है. सो आई है मेरे पास, डीएल है मेरे पास, और यहाँ पे बी इंटू आर स्क्वायर होगा, ठीक है. तो रीअरेंज करते हैं, B के जगह पे क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है मेरे पास M1 L0 T माइनस टू ए माइनस वन. ये रेडीमेड फॉर्मूला है हमारे पास, अगर नहीं पता तो एग्जाम में कैलकुलेट करना होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों का एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का 12th खत्म होने तक तो याद हो जाता है और जिंदगी भर याद रखते हैं. I के जगह पे क्या लिखोगे, A, ठीक है. और DL के जगह पे क्या लिखोगे आप, अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, ये DL और ऊपर से R एक कट कर देते हैं ना, तो टेंशन नहीं होगा. तो ये L1 लिख देता हूँ सीधा सीधा. तो यहाँ पे देखो M1 L0 T माइनस टू, और यहाँ पे A माइनस वन, ये डायमेंशन मेरे पास है. I के लिए एम्पियर, ये DL और ऊपर से एक R कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ L बचेगा, है ना. तो उसके बाद फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, रीअरेंज करो. देखो M1, ठीक है, उसके बाद L0, ठीक है, L0 नहीं होगा, ये 0 और ये 1 होगा, L1, उसके बाद T रेस टू माइनस टू, और उसके बाद ये a ऊपर जाएगा, तो a रेस टू पावर माइनस टू. तो ये बन जाएगा आपका डायमेंशन. और ये किसका डायमेंशन है, ये म्यू नॉट का डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है. तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने कुछ डायमेंशंस पढ़े. अभी मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको देने वाला हूँ. जब भी मैं आपको डायमेंशन यहाँ पे दे रहा हूँ तो फॉर्मूला के साथ दे रहा हूँ, तो अल्टीमेटली आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होने वाली है. सबसे पहले देखो हीट कैपेसिटी और एंट्रोपी. तो फॉर्मूला क्या है, हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर. तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर का रेशो लो. एनर्जी का डायमेंशन ऑलरेडी आपने निकाला है, टेम्परेचर का ऑलरेडी निकाला है, दोनों का रेशो लो, जो भी आंसर हो रहा है सामने लिख दो. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला हीट एनर्जी अपॉन मास इंटू टेम्परेचर. तो एनर्जी अपॉन मास और टेम्परेचर. टेम्परेचर के लिए क्या यूज करोगे, केल्विन, के यूज करना है टेम्परेचर के लिए, ठीक है. तो ये यूज कर सकते हो, दोनों आंसर आपको ईजी मिल जाएंगे. थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट डेल्टा एल अपॉन एल इंटू टेम्परेचर. तो डेल्टा एल एल, ये तो मीटर मीटर कट हो जाएगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, के रेस टू माइनस वन, है कि नहीं. डायरेक्ट आंसर भी हमको मिल सकता है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, है ना. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे देखो, और उसके बाद के रेस टू माइनस वन, टेम्परेचर भी लिखना है. स्टीफन कॉन्स्टेंट, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम अपॉन टेम्परेचर रेस टू फोर. तो ये चीज को आपको एनर्जी, एरिया, टाइम, टेम्परेचर की वैल्यूज रिप्रेजेंट करके स्टीफन कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिलेगी.
नेक्स्ट है मेरे पास एक फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरडी, तो इसमें से यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर की वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हैं कि आंसर इज येस। सो आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन मोल इंटू टी, तो मोल इज अ वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, तो वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी मोल है, तो आप लिख सकते हो मोल रेस्ट टू माइनस वन, तो ये पीवी अपॉन मोल इंटू टी, तो प्रेशर का लिखो, वॉल्यूम का लिखो, मोल का लिखो, और ये जो टी है उसके लिए आपको लिखना है टेम्परेचर के लिए। करंट डेंसिटी आई अपॉन ए, तो आई का फॉर्मूला हमें पता है एरिया का मीटर स्क्वायर, तो आई के जगह पे ए लिखोगे, एरिया के जगह पे मीटर स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर है ना, तो सीधा सीधा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, सो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला है उसका, तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, सॉरी तो हमें रो के लिए डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो आर की वैल्यू होती है वी अपॉन आई, तो ये एक हिंट है आपके लिए। तो वोल्ट के लिए हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे देखो किधर तो होगा, वोल्ट के लिए कैलकुलेट किया है, उसके बाद करंट के लिए हमें पता है आर की वैल्यू मिल जाएगी, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, एरिया अपॉन लेंथ है आपके पास, एक लेंथ कट हो जाएगी, जो भी आंसर आएगा आप लिख देना। नेक्स्ट है टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का डायमेंशन निकाला, डिस्टेंस हमें पता है ना, सो फोर्स का लिखो, डिस्टेंस के लिए एल लिखोगे, एल जो भी आंसर हो आ रहा है बताओ। ये क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है, एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आता है, सो यहाँ पे आपको जी की वैल्यू निकालने बोल रहे हैं, तो निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, पहले रीअरेंज करो, डायरेक्टली डायमेंशंस मत लिखो, जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, एम वन एम टू रिप्रेजेंट मास, एफ रिप्रेजेंट फोर्स, आर रिप्रेजेंट डिस्टेंस, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, गेट द आंसर। उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन, एफ अपॉन आई एल, फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ, तो इसका भी आंसर आप लिख देना। और उसके बाद फाइनल है प्लैंक कांस्टेंट, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अगर मुझे लिखना है तो वन अपॉन टाइम होता है ना, तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टी रेस टू माइनस वन होता है, तो एनर्जी का डायमेंशन लिखो, टी का एन का डायमेंशन लिखो इन टर्म्स ऑफ टी, रीअरेंज करो, गेट द आंसर। तो आई होप कि ये 28 क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे ना, तो डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आगे जाके आप फेस करने वाले हो, वो करने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। कुछ नहीं, अभी तक हमने क्या देखा है, हमें अगर यूनिट पता है ना, तो यूनिट के हिसाब से डायमेंशंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और उसके बाद मोल, ये चीज़ें यूज करके हम लोग इजीली आंसर्स निकाल सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको दी है, ये आप होमवर्क में करोगे और मुझे बताओगे कि आपको इसमें से कितने आए कितने नहीं आए, जो भी आपको नहीं आएंगे मुझे बताओ, वी विल सॉल्व इट, लेकिन ये बहुत सिंपल है, अल्टीमेटली आपको आ जाएगा। तो इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको होमवर्क में भी दे रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ सर सॉल्व कर रहे खुद से, मुझे तो आता ही है, ये तो सिर्फ आपके सीखने के लिए, आगे जाके इसको फास्ट भी करना है, उसके भी टेक्निक्स होते हैं, लेकिन पहले ये तो कर लो, उसके बाद जो फास्ट चीज़ें करनी है वो हम लोग करने वाले हैं। सो आई होप अभी तक का जो डायमेंशन वाला पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझा है।